सीएम ने एम्स स्थापना की प्रगति की समीक्षा, गन्ना शोध संस्थान के बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण करने के साथ पिपराइच चीनी मिल परिसर में 7 अप्रैल तक शोध संस्थान के शिफ्टिंग के लिए दिए निर्देश। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने शुक्रवार को जिले के 3 गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, मीरपुर के केंद्र प्रभारी को किया निलंबित। बिजली विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव हुआ स्थगित, विद्युत कर्मचारी हुए गदगद, मुख्यमंत्री के चित्र को मिठाई खिलाकर दिया कोटि कोटि धन्यवाद। धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के 4 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ कैंट ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। अनुसूचित जाति और जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज के सभागार में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु सेमिनार का किया गया आयोजन। जिला उपभोक्ता वाद विवाद प्रतिकोष फोरम के चेयरमैन के सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला सूचना कार्यालय के सिनेमा ऑपरेटर कृष्ण मोहन सिंह सैनी के भाई का हुआ निधन, शोक सभा करके दी गई श्रद्धांजलि। जिला कुष्ठ आश्रम का डीएम के विजयन पांडेय ने किया निरीक्षण, सीएमओ को दिया व्यवस्था सुधारने का निर्देश। और छात्र छात्राओं के कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज में किया गया सेमिनार।